आप बोला गया था कि आप एक साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, कहाँ है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा बोला क्या जाता है कि क्या सिर्फ पैसा नौकरी से ही कमाया जाता है? आप मुर्गी पाल सकते हैं, छगड़े पाल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, तो बताइए। और झारखंड के यूथ सिर्फ बैल, गरु, छगड़े, पटरू यही सब चराने के लायक दो है। साल के अंदर में 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख जैसे कि दे एक दिया बार है, धोखा धोखा देता है। वो बार बार धोखा जो चल रहा है, जिसका पैसा है उसका नौकरी है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की वादा की थी, अब देख रहे हैं 10 लाख युवाओं। अरे जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? मेरे ख्याल से अच्छे बुरे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव स्टार्ट हो गया है। सभी कैंडिडेट, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और अपने वादे कर रहे हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, डिमना करेंगे, है ना। सभी राजनीतिक दल, चाहे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, आरएसयू, बीजेपी और जितने भी तमाम झारखंड में राजनीतिक दलें हैं, सभी लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने अपने वादा कर रहे हैं और जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। इससे अभी जो वर्तमान में सरकार है कितना झूठ बोल रही है ना। अभी 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय इन्होंने घोषणा किए थे एक साल में 5 लाख की युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाएंगे तो राजनीतिक से इस्तीफा ले लेंगे। तो देखिए ना, तो 5 साल में आप लोग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है ना। सरकार तो एक साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन क्या मिला? नहीं मिला। और देखिए, फिर से सरकार जुमला वादा कर रही है कि 2 साल के अंदर में 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख जैसे कि दे दिया है उसी तरह आप दे देगा ये भी, है ना। प्रत्येक घर को मिलेगा, अभी जैसा कि सरकार के मैनिफेस्टो में दिया हुआ है, 1 लाख रुपया। बताइए, 1932 खतियान भी लागू हो गया कैबिनेट के पहला बैठक में, है ना। पिछड़ों को 27% आरक्षण भी मिल गया, 5 लाख एक साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया, है ना। ये सब लागू हो गया, इसीलिए सरकार आ रही है जनता की। सरकार के तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। सरकार पता नहीं किस मुंह से वोट मांगने के लिए आती, एक भी वादा पूरा नहीं की है ना। जो भी वादा की थी, एक भी वादा नहीं पूरा की है ना। ऊपर से देखिए, यहाँ 5 साल में एक भी वैकेंसी को सही तरीके से नहीं हो पाया, चाहे जैसे सिज्जल की बात करते हैं, चाहे झारखंड लेडी सुपरवाइजर की बात करते हैं, चाहे पीजीटी की बात करते हैं, चाहे लैब असिस्टेंट की बात करते हैं, चाहे नगर पालिका की बात करते हैं, सभी ये विवाद में ही रहा। सबसे ज़्यादा विवाद तो ये रहा कि जैसे सिज्जल एग्जाम 2016 से ये चल रहा है ना। योजना भी होता है, पंचवर्षीय योजना होता है, चुनाव भी होता है, 5 साल में हो जाता है, लेकिन ये 8 साल होने को चला, 8 साल हो गया, लेकिन जैसे सिज्जल एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया। सिर्फ यहाँ की जनता छात्र सिर्फ वोट देने के लिए है ना। यही ने यहाँ के नेता लोग समझते हैं, झूठे झूठे वादे करेंगे, झूठे झूठे जुमला वादे करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और बेवकूफ़ बनाने के काम करेंगे छात्रों को। अब जनता ही बेवकूफ़ बन रही है तो क्या करेंगे, है ना। झारखंड सरकार के जब भी वर्तमान में, इनको पहले ही जनता को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि 2013 में जो सरकार ने वादा किया था कि अस्थायी नीति बनाएंगे, लेकिन जब 2013 में सरकार में बैठे तो उस समय कोई अस्थायी नीति नहीं बनाई थी। कहा जाता है ना, जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देता है, इसीलिए इन सभी को सीखना होगा, है ना। और इस बार आप लोग को एकदम वोट की कीमत आप लोग को बताना होगा। इस बार अगर आप लोग फिर से वोट दिए वही सरकार को, तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं फिर से 5 साल बर्बाद होगा। जिस तरह अभी 5 साल बर्बाद हुआ है, उसी तरह फिर से 5 साल बर्बाद होने वाला है। इसीलिए वोट का सही उपयोग करना है, तब जाके 5 साल आपका उज्ज्वल भविष्य भी होगा। नहीं तो और झारखंड जी के और जी के मैथ रीजनिंग पढ़ते रहिए, रटते रहिए और पैसा वाला नौकरी लेते रहतेगा। इसलिए इन सभी को सिस्टम को बदलना है, तो इस बार चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए राजनीतिक हो या फिर रोटी हो, हमेशा उसको पलटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम रोटी को नहीं पलटेंगे तो एक समय में वो जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक में हम सत्ता को नहीं पलटेंगे तो वो एक समय में वो घमंडी हो जाएगा, पहचानने नहीं लगेगा। उसको तो जनता वोट देंगे ही, वो काम किस लिए करेगा? जब तक से उसको हराएंगे नहीं, उसको कुर्सी से नीचे उतारेंगे नहीं, तो उसमें घमंड तो रहेगा ही। इसीलिए परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसीलिए बदलाव बहुत ही जरूरी है।
इस बार बदलाव करना है, नहीं तो फिर 5 साल से जो चल रहा है, जिसका पैसा है उसका नौकरी है। जैसे सीजन में भी देखे होंगे, अभी कुछ दिन पूर्व ही आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी जी ने आरोप लगाया है कि जैसे सीजन एग्जाम पेपर को एक एक सीट को 25-25 लाख 30-30 लाख में बेचा गया है। ये जैसे सीजन में ही नहीं, झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हुई है उसमें हुआ है ना, सभी में सेटिंग गेटिंग हुआ है। 28 जनवरी की जो जैसे सीजल की एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी सेटिंग गेटिंग देखने को मिला, पेपर लीक हुआ था, है ना। पेपर लीक से पूरा झारखंड नाम हो चुका है। झारखंड में 40% खनिज संपदा है, लेकिन यहाँ देखिए पेपर लीक की वजह से यहाँ पे बदनाम हो चुकी है। और झारखंड में देखिए किसी प्रकार के कोई कमी नहीं है, बस यहाँ पे नेतृत्व क्षमता की कमी है ना। अगर आपका नेता नेतृत्व करता आपका क्षमता नहीं, नेतृत्व करने का क्षमता नहीं, अगर उसको आप सत्ता में दे देते हैं तो क्या होगा, वो तो जैसे तैसे काम करेगा, है ना। सरकार तो एक साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की वादा की थी, अब देख रहे हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करी, कहाँ से देगी। झारखंड में उतना 10 लाख सीट खाली ही नहीं है, वो कहाँ से देगी, है ना। 2021 में आप लोग बता देना चाह रहे हैं नियुक्ति वर्ष घोषणा किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन देखिए 2024 आ गया, क्या बताइए ईमानदारी से आप लोग भी, क्या आप लोग का नौकरी मिला, आप लोग कौन से एग्जामिनेशन पास किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम ही नहीं हुआ है तो कहाँ से आप लोग पास कीजिएगा, ये स्थिति बना हुआ है ना। मीडिया के द्वारा बोला गया था कि आप एक साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, कहाँ है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा बोला क्या जाता है कि क्या सिर्फ पैसा नौकरी से ही कमाया जाता है, आप मुर्गी पाल सकते हैं, छगड़े पाल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, तो बताइए। और झारखंड के यूथ सिर्फ बैल गरु छगड़ी पठरू यही सब चराने के लायक है, है ना। और बाहर वाले यूपी बिहार वाले नौकरी वो सब करेंगे झारखंड में, और यहाँ के महिलाओं को ठगा जाएगा 1000 महिला सम्मान के रूप में, यही हो रहा है। बाहर के लोग नौकरी करेंगे और यहाँ के लोग को छगरी पटरू गरु बैल ये सब चराने के लिए ज्ञान दिया जाएगा, है ना। तो मुख्यमंत्री घर के बेटा बेटी क्यों ना ये शुभ काम खुद से ही करें, क्यों दूसरे लोग करेंगे, आप ही से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र के इस झारखंड के नेतृत्व करता है तो आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने पहले घर के बाल बच्चों को बोलिए कि वो मुर्गी पाले छगरी पाले, क्योंकि पैसा तो जैसा कि आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कह रहे थे क्या सिर्फ पैसा नौकरी से ही कमा जाता है, सबको पता है सिर्फ नौकरी से नहीं कमा जाता है। तो जो मध्यम तबके का वर्ग है ना, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट मध्यम गरीब तबके को वर्क पास प्रहार करने काम करें, क्योंकि जनरल एग्जामिनेशन की तैयारी जनरल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कौन करते हैं, गरीब तबके के इंसान ही करते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर सरकार प्रहार करने की काम की है ना, यानी उनका एक प्रकार से विरोध करने के काम की है कि गरीब जो है वो गरीब ही रहे, है ना, और जो अमीर है वो अमीर होते जाए। जिस तरह से अभी 24 साल झारखंड हो गया, कल परसों फिर से 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है ना, 24 साल हो गया झारखंड, लेकिन झारखंड का राजकीय दुर्दशा आज भी है, आज भी लोग सड़क बिजली पानी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो झारखंड अलग होके क्या मिला, झारखंड को क्या मिला, सिर्फ यहाँ पे प्रदूषण मिला, है ना, यहाँ पे विस्थापन मिला और कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को शोषण किया गया। झारखंड अलग होने से सिर्फ यहाँ के नेताओं को फायदा हुआ, यहाँ के आम जनमानस को नहीं हुआ है। आज भी सरकार कहती है हम चावल देंगे राशन देंगे, तो चावल राशन देने की नौबत कहाँ से आ रही है। आप इस प्रकार से योजना लाइए ना जिससे जो जनता है वो खुद स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो जाए, वो खुद के पैर पे खड़ा हो जाए, व्यवसाय शिक्षा लाइए, व्यवसाय की शिक्षा लेंगे तो वो अपने बलबूते खड़ा हो पाएंगे, इस तरह का व्यवसाय किया जाना चाहिए। सरकार तो कहती है हम सबको रोजगार नहीं दे पाएंगे, सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो जो युवा भी नहीं कहते कि हमको सभी को डायरेक्ट नौकरी ही दे दिए, बस इतना छात्रों द्वारा कहा जाता है कि आप सिर्फ समय समय पर एग्जाम लीजिए, है ना। जिस तरह चुनाव होता है सही समय में जिस तरह का चुनाव होता है, क्या उस तरह क्या एग्जामिनेशन में नहीं हो सकता है। अभी देखिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है, एक साल पहले ही उसका कैलेंडर निकाल दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है, चाहे दुनिया क्यों ना इधर को उधर हो जाए,
तो क्यों ना जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है ना, झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है सभी को क्यों ना इस तरह कर दिया जाए, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेसीसी हो, सभी को इस तरह का कड़े कानून बना दिया जाना चाहिए, ताकि जिस तरह से चुनाव होता है सही समय पे, है ना, 5 साल में एक बार होता है ना, तो उसी प्रकार से इसको भी बना देना चाहिए। आप 100 पोस्ट ही निकालिए, चाहे 50 पोस्ट ही, चाहे 500 पोस्ट ही निकालिए, लेकिन कंटिन्यू निकालते रहिए, ताकि एक छात्रों में एक उम्मीद जगा रहेगा, चलो इस बार हम नहीं सके तो अगले बार अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है, जो 10 साल से तैयारी कर रहा है 32-33 साल हो जा रहा है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है तो पता चलता है घर आते आते पेपर लीक ही हो जाता है। तो क्या झारखंड का दुर्दशा होने वाला है बताइए। अब बोल दीजिएगा जो पीएचडी किया है, बीएड किया है, यूजी किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसको बोलिएगा मुर्गी छगरी पालने, तो ये पॉसिबल है? अगर उसको मुर्गी छगरी बैल गरु ही चराना रहता, गाड़ी घोड़ा ही चराना रहता तो क्यों पढ़ता बताइए। इसीलिए इस बार आप लोगों को बदलाव करने की बहुत ही ज़रूरी है। जो आप लोग 5 साल बर्बाद किया है, पूरा 5 साल बर्बाद हुआ, आप लोग बता देना चाह रहे हैं 2019 से 2024 में 5 साल पूरा पूरी झारखंड के छात्रों को बर्बाद हुए हैं। झारखंड के छात्रों को ही नहीं, झारखंड के तमाम जितने भी यूथ हैं, जनता हैं, सभी का बर्बाद ही हुआ, क्योंकि 5 साल में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, है ना। आप डाटा उठा देख लीजिए, डाटा की अपने आसपास में देख लीजिए, जो सड़क होगा वो भी जर्जरे होगा, है ना, यानी कि किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ, ना छात्रों के प्रति, ना किसानों के प्रति, ना किसी भी फील्ड में कार्य हुआ ही नहीं। इसीलिए बदलाव इस बार और करना है, नहीं तो फिर समझ रहे हैं जो स्थिति चल रहा है, फिर से हम बोल रहे हैं झारखंड जी के रटते रहिएगा, जी के पढ़ते रहिएगा, कोठा पढ़ते रहिएगा, हिंदी पढ़ते रहिएगा, पढ़ते ही दिन चल जाएगा। 5 साल तो बर्बाद हुआ, और 5 साल बर्बाद होगा, उसके बाद 30-35 साल हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा करेंगे क्या। इसीलिए वो स्थिति को नहीं लाना है, है ना। बेहतर जीवन चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो इस बार बदलाव करना ही होगा, ठीक है। बाद बाकी आप लोग को मर्जी, आप लोग क्या चाहते हैं, जब भी वर्तमान में सरकार है उनको बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से तो बदलना चाहिए। बाद बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।